Amid the ongoing Neet paper leak case, two CBI officers have reached the Economic Offences Unit office in Patna to investigate irregularities in Neet. The Economic Offences Unit had been handling the investigation until the centre ordered a CBI probe. Shakti Kumar is joining us for more details on this story. Shakti, CBI officials reaching the EAU office in Patna. जी भैया, उससे थोड़ी देर पहले जो है सीबीआई के दो अधिकारी जो है पटना के ईओयू कार्यालय पहुंचे हैं और वहां पे जिस तरह से तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनपुट ईओयू ने इतने दिन में जो नीट पेपर में जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसमें जो इकट्ठे किए हैं, जो उन तमाम चीज़ों को के बारे में जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो उनसे ले रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो पटना के लोकल थाना, जो शास्त्री नगर थाना, जहाँ पे नीट परीक्षा के दौरान जो है पेपर लीक के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वहाँ थाना पुलिस भी जो पहुँच ईओयू के कार्यालय में पहुंची हुई है और जो अधिकारी हैं सीबीआई के उन तमाम इनपुट को कलेक्ट कर रहे हैं। और एक तरफ जहां पे ईओयू के ऑफिस में सीबीआई की टीम पहुंची है तो दूसरी तरफ इसको लेकर जो है नेट पेपर लीक मामले को लेकर बिहार में राजनीति भी काफी तेज हो गई है। पहले बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार पे आरोप लगाया था और साथ ही साथ अब जो है आरजेडी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने और सोशल मीडिया आरजेडी के सोशल मीडिया एक्स से भी लगातार जो है कुछ तस्वीरें जारी की गई है जिसमें कि जो संजीव मुखिया आरोपी है क्वेश्चन पेपर लीक मामले में उसकी पत्नी ममता देवी की तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिखाई गई है कि कार्यक्रम में नीतीश कुमार को से मिलते हुए बगल में खड़ी हुई है ममता देवी जो संजीव मुखिया की पत्नी है और साथ ही साथ जेडीयू के स्थानीय मंत्री जो श्रवण कुमार है उनके साथ उनकी तस्वीर है। तो और ये तस्वीर जारी करके आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि एक जहां बात पेपर लीक की होती है वहां जेडीयू के जो नेता हैं वो क्यों शामिल होते हैं और सीधा आरोप जो है जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर लगाया गया। तो अब एक तब नीट पेपर लीक को मामले को लेकर जो है जहाँ सीबीआई की टीम पहुंची है पटना तो दूसरी तरफ अब इसको लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.